आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 6 जून का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 237,756 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 117,613 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 113,481 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 6,650 है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 8,996, एक्टिव मरीजों की तादाद 2,734, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 5,876 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 384 है। जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है उनमें इंदौर में 3,687, भोपाल में 1,682, उज्जैन में 707, बुरहानपुर में 316, नीमच में 290, जबलपुर में 267, खंडवा में 258 एवं सागर में 216 है। प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में धनकसा और शारदा भूमिगत कोयला खदानों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन शुभारंभ किया। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समारोह में दो केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित हुए। प्रदेश में 1,000 से ज़्यादा लोगों को छिंदवाड़ा जिले की इन दो भूमिगत कोयला खदानों से रोजगार मिलेगा। अगले 4 साल में कोल इंडिया 20 खदानें शुरू करेगा। इनमें 6 मध्य प्रदेश में होंगी। शनिवार शुरू हुई दोनों खदानों के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने पूर्व के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में प्रयास किए थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान के बटन दबाने के बाद तत्काल ही औपचारिक रूप से खनन प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने रिमोट से बटन दबाकर शुभारंभ किया। कुल 3 खदानें शुरू हुई हैं। इनमें शारदा और धनकसा खदानें प्रदेश और आदासा खदान महाराष्ट्र में है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी और कोल इंडिया का आभार माना। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इन दो कोयला खदानों के खुल जाने से प्रगति का नया अध्याय प्रारंभ होगा। ये दोनों भूमिगत खदानें शुरू हों इसके लिए पिछले कार्यकाल से प्रयास किए जा रहे थे। धनकासा भूमिगत खदान से 458 करोड़ और शारदा भूमिगत खदान से 57 करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की योजना है। दोनों खदानें 1.4 लाख टन सालाना कोयला उत्पादन करेंगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश कोयला उत्पादन में देश में 4th स्थान पर है। प्रदेश में सालाना 239 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है जिससे प्रदेश को 2000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। प्रदेश के 6 जिलों छिंदवाड़ा, बैतूल, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली में कोल इंडिया लिमिटेड कोयला खनन का कार्य करता है। प्रदेश में वेस्टर्न कोल फील्ड की 56 खदानों में से 23 भूमिगत और 23 ओपन है। इनमें कुल 16 खदानें मध्य प्रदेश में संचालित हैं जो मुख्यतः छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश खनिज प्रधान राज्य है जहां हीरा, कोयला, मिथेन गैस, कॉपर, लाइमस्टोन के भंडार हैं। जहां हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे प्रमुख राज्य है वहीं मैगजीन और कॉपर उत्पादन में दूसरे और कोयला उत्पादन में देश में 4th स्थान पर है। राज्य के मुख्य खनिजों के उत्पादन बढ़ाने के भरसक उपाय किए जा रहे हैं। प्रदेश के 32 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को संग्रहण वर्ष 2018 में संग्रहित तेंदुपत्ते के शुद्ध लाभ से 183,94,00,000 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मई से संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण का कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है। यह उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां तेंदुपत्ता के व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में शुद्ध आय का 70% भाग
संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नगद भुगतान किया जाता है। शेष 30% में से 15% भाग वनों के पुनरुत्पादन और 15% अवशेष राशि सहकारी समितियों को उनकी प्राथमिकता और मांग के आधार पर गांव की मूलभूत सुविधाओं के विकास में व्यय किया जाता है। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत 27,281 विद्यार्थियों की 18,88,24,000 रुपये की फीस सरकार ने जमा करवाई है। यह सभी विद्यार्थी असंगठित कर्मकारों के बच्चे हैं। यह योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 में शुरू की थी। योजना अंतर्गत तकनीकी शिक्षा के 1500 विद्यार्थियों की 1,88,97,321 IIT NIT के 2 विद्यार्थियों की 1,78,700 क्लैट NLIU के 9 विद्यार्थियों की 19,55,500 मेडिकल नीट में 19 विद्यार्थियों की 1,70,77,000 उच्च शिक्षा में 23,896 विद्यार्थियों की 13,78,78,953 और अन्य पाठ्यक्रमों के 1,855 विद्यार्थियों की 1,28,36,764 रुपये की फीस सरकार द्वारा जमा करवाई गई है। सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी धार्मिक स्थल कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर 8 जून से खोले जा सकते हैं। मंदिर खुलने के पहले पुजारियों द्वारा मंदिर की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। शनिवार को भोपाल का प्रसिद्ध बिरला मंदिर में भी साफ सफाई की गई। पुजारियों का कहना है कि अगर आदेश जारी हुए तो 8 जून से श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान का दर्शन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के अनेक शराब ठेकेदारों ने सरकार का विकल्प मानने से इनकार कर दिया है। आबकारी विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि शुक्रवार को करीब 70% शराब दुकान संचालकों ने सरकार से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा की गई राशि वापस मांगने और लाइसेंस सरेंडर करने का आवेदन दे दिया है। इससे सरकार को दोबारा दुकानें नीलाम करने और ठेकेदारों की राशि वापस करने की समस्या खड़ी हो गई। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 3 दिन में नए विकल्प पर सहमति देने और ठेका संचालित करने पर ठेकेदारों द्वारा कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे। सूत्रों ने बताया कि शनिवार की शाम के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि कहां कहां के ठेकेदार दुकान सरेंडर कर रहे हैं और कौन कौन से दुकानदार शराब दुकान चलाने के इच्छुक हैं। सूत्रों ने बताया कि भोपाल संगम इंटरप्राइजेज ने 22 करोड़ रुपए वापस मांगे हैं। भोपाल ग्रामीण में अल्कोहलिक प्राइवेट लिमिटेड सोम ग्रुप ने 19 करोड़ रुपए वापस मांगे हैं। उधर इंदौर में लिकर गैलरी LLP ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमा अर्नेस्ट मनी के रूप में 58 करोड़ की राशि वापस मांगी है। सूत्रों ने यह भी बताया कि शराब कारोबारी प्रदेश के कई जिलों में शराब दुकानें नहीं संचालित करना चाहते, जिनमें कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, इंदौर, सिंगरौली, देवास, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, सतना, सागर, रीवा सहित अन्य जिलों में व्यापारियों ने अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा 5% राशि वापस मांगी है। मध्य प्रदेश लिकर एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश अरोरा का कहना है कि करीब 67 शराब व्यवसायियों ने दुकान लाइसेंस सरेंडर किए हैं। हम अब दुकानें संचालित नहीं करेंगे। न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद ठेकेदारों ने यह कदम उठाया है। जबलपुर सिवनी रोड पर देर रात ट्रकों में भिड़ंत हो गई। बरगी थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह भीषण एक्सीडेंट हुआ। एक स्थान पर 4 ट्रक एक दूसरे से टकरा गए। हादसे में एक की मौत हुई, वहीं दूसरी घटना में बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। दोनों ही हादसों में एक की मौत और 5 लोग घायल हुए हैं। फोर लेन पर हुए इस हादसे की सूचना पाकर मौके पर बरगी TI उमेश तिवारी सहित अन्य स्टाफ पहुँच गया था। विशाखापट्टनम से गोरखपुर मछली ले जा रहे एक ट्रक धूमा और बरगी के बीच खराब हो गया, जिसके बाद मछली को दूसरे ट्रक में गोरखपुर पहुंचाया गया। उसके बाद से ही ट्रक की रखवाली के लिए 50 वर्षीय यासीन पिता नासिर निवासी केलवारा कला बुजुर्ग को ट्रक के पास छोड़ दिया गया था। ट्रक को सुधारने के लिए आई कैंपर गाड़ी के लोग और बुजुर्ग बात कर रहे थे, तभी दूसरी ओर से आ रहे एक ट्रक जिसमें गेहूँ लोड था डिवाइडर को तोड़ते हुए कैंपर से टकरा गया, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई।
वही ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर ट्रक के बीच में फंस गए हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई है। वहीं इस मामले में 4 अन्य व्यक्ति घायल भी हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया। बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार समाप्त हो गया है। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा शुरू करने को लेकर फैसला ले लिया है। इस बार सालाना अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी, यानी यात्रा की अवधि सिर्फ 14 दिनों की रहेगी। यही नहीं, बोर्ड ने यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की आयु सीमा भी तय कर दी है। साधुओं को छोड़कर यात्रा पर जाने वाले अन्य श्रद्धालु की उम्र 55 साल से कम होनी चाहिए। यात्रा करने वाले सभी लोगों के पास COVID-19 टेस्ट का प्रमाण पत्र होना भी जरूरी होगा। इस बात की जानकारी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने दी है। समुद्र तल से करीब 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की सालाना तीर्थ यात्रा को लेकर जारी असमंजस अब समाप्त हो चुका है। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा शुरू करने का फैसला लेते हुए इसका प्रारंभ 21 जुलाई से करने का ऐलान कर दिया है। इस बार यात्रा सिर्फ बालटाल से होगी, पवित्र गुफा के रास्ते से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। सिवनी जिले के धूमा थाना अंतर्गत सरकारी स्कूलों से LCD टीवी, गैस सिलेंडर, साउंड सिस्टम, बर्तन व गैस चूल्हा सहित अन्य सामग्रियों को चुराने व चोरी की इस सामग्री को खरीदने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके कब्जे से चोरी की गई सामग्री जब्त की गई है। शुक्रवार को कोर्ट में पेश करने के बाद सभी को रिमांड पर ले लिया गया है। धूमा थाना प्रभारी ML रहंगडाले ने बताया कि क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल मानकपुर, प्राइमरी स्कूल सलैया व आसपास के अन्य सरकारी स्कूलों से आरोपियों ने छात्रों को हाईटेक पढ़ाई के लिए लगाई गई स्मार्ट LCD टीवी, VCR, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा सहित बड़ी मात्रा में बर्तन चुराए थे। चोरी की वारदात के बाद स्कूल के शिक्षकों ने धूमा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने स्कूलों में चोरी करने वालों को पकड़ने की योजना बनाई थी। लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चली ऑनलाइन सुनवाई में हाईकोर्ट की तीनों खंडपीठों समेत प्रदेश भर के जिला न्यायालयों में हजारों प्रकरण निराकृत किए गए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल R.K. वाणी ने बताया कि संक्रमण काल के दौरान बड़ी संख्या में नए मामले भी दायर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी अदालतों में 13 जून तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई की जाएगी। टीकमगढ़ में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए में 28 फीवर क्लिनिक खोले गए हैं। उज्जैन में शनिवार को महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि 8 जून से श्री महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए गाइडलाइन जारी होगी। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 6 जून का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 7 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए, यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए, सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE, इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको, ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए, दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट
जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियां, ज़रूरी खबरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।